हेलो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए फिर से एक बुरी खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि अभी DGCA की तरफ से एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी करके बताया गया है कि भारत से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होने वाली थी, उन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर 30 जून तक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, DGCA हर महीने के आखिरी तारीख में ऐसा ही सर्कुलर जारी करके इन्फॉर्मेशन दे देती है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर लगे प्रतिबंध को फिर से अगले एक महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत से जो वंदे भारत मिशन की फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी और इसके अलावा जो एयर बबल्स के थ्रू फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है, वो सारी फ्लाइटें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे कि अभी चल रही है। लेकिन भारत से जो रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटें ऑपरेट होने वाली थी, उन फ्लाइटों के ऊपर ही प्रतिबंध लगा है। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि 30 जून तक भारत से सभी फ्लाइटें बंद हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया था DGCA की तरफ से, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी था। इस सर्कुलर के आधार पर DGCA का ये कहना है कि जो रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होने वाली थी, वो फ्लाइटें अब भारत से 30 जून तक नहीं चालू होंगी।